Good morning everyone. Today's video is for semester 2 students, economics method. So though we have already discussed or started discussing about different methods of teaching economics, I wanted to discuss some of the important things related to the method of teaching economics. Firstly, what is method? Method is a way in which a teacher conducts the teaching-learning process in the classroom. It is the word to indicate a series of teacher-directed activities that result in learning by the pupil. No one set of method is useful for the teaching of all times. Method ko kya bola ja raha hai ki ek tarike ka तरीका या जरिया है जहाँ पे टीचर अपना टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कंडक्ट करता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए कोई भी मेथड का इस्तेमाल हमें करना पड़ता है और कोई एक मेथड को ही हम लोग सारे क्लासेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, सारे क्लासेस के लिए या फिर सारे टॉपिक्स के लिए। कोई एक मेथड पर्टिकुलर एक पॉइंट पे फ्रूटफुल होगा और वही मेथड हो सकता है दूसरे टॉपिक के लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। इसलिए सेलेक्शन ऑफ द मेथड इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड सिचुएशन। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसी प्रिंसिपल्स पे बेस करेगा कि हम लोग कौन सा मेथड को सेलेक्ट करेंगे। तो प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स में है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन विथ लाइफ, प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन। तो पहला जो है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का सिद्धांत। किसी भी चीज़ को हम लोग पहले करके खुद देखते हैं और उसको हम लोग बेहतर तरीके से सीख पाते हैं। तो इसीलिए इकोनॉमिक्स टीचिंग में ये ज़रूरी है कि अगर हम लंबे समय तक किसी चीज़ को याद करना चाहते हैं तो पहले हमें उसे करके खुद देखना होगा और तब हम उससे कुछ सीख पाते हैं। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन या प्रेरणा का सिद्धांत। किसी भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, नॉट ओनली फॉर इकोनॉमिक्स, कोई भी सब्जेक्ट के लिए ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन होगा तभी कोई भी स्टूडेंट सीखने के लिए या कुछ आगे उससे रिलेटेड उसी सब्जेक्ट में करने के लिए मोटिवेट होगा। तो इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन विथ लाइफ, जीवन के साथ समन्वय का सिद्धांत। इसका क्या मतलब है कि अगर हम लोगों को कुछ भी लाइफ में प्रॉब्लम है तो उसको हम लोग डील करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा क्लासरूम एनवायरनमेंट बनाना है कि स्टूडेंट को वो एटमॉस्फेयर मिले ताकि वो खुद से अपने प्रॉब्लम्स को डील कर सके। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। हम लोग पहले ही डिस्कस किए हैं कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट का किस किस सब्जेक्ट के साथ कोरिलेशन है। तो प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन में हम लोग ध्यान रखेंगे कि इकोनॉमिक सब्जेक्ट को और कितने डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ कोरिलेट करके हम देख सकते हैं, सहसंबंध का सिद्धांत। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व का सिद्धांत। इकोनॉमिक्स पढ़ाते वक्त ये हम लोगों को ध्यान में रखना होगा कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उससे इंडिविजुअल डेवलपमेंट हो रहा है, पर्सनल डेवलपमेंट हो रहा है। और उसके बाद का प्रिंसिपल ऑफ सोशलाइजेशन है, सामाजिकरण का सिद्धांत, जो कि प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी से सिर्फ
जस्ट ऑपोजिट है। यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि एक सोशल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें स्टूडेंट के लिए, कि वो साथ रहकर, लोगों के साथ रहकर वो आगे काम कर सके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है कि एक हम लोग मेथड ऑफ टीचिंग को सेलेक्ट करें पढ़ाने के लिए। पहला, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रोचक। दूसरा, डेवलपिंग थिंकिंग, सोच को विकसित कर सके। किसका सोच को विकसित कर सके? स्टूडेंट्स का। नेक्स्ट है, मीट्स द नीड फॉर ऑल, सभी की ज़रूरतों को पूरा करता है। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस, प्रभावशीलता। उसके बाद है कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगपूर्ण सीखना। और लास्ट है इनकरेज एक्टिव लर्निंग, सक्रिय सीखने को प्रोत्साहित करें। तो हम लोग ये सब पॉइंट्स पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कोई भी मेथड अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को बोर्डम फील नहीं होना चाहिए। जब वो इंटरेस्टिंग होगा तभी वो कुछ अच्छा सीख पाएगा। जब कुछ आप क्लास में सिखा रहे हैं, कुछ मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमेशा आपका थिंकिंग को डेवलप करना चाहिए। थिंकिंग डेवलप करना चाहिए मतलब एक क्रिटिकल थिंकिंग होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, आगे आप और इमेजिनेटिव वे में सोच पाएंगे। ये होता है आपका डेवलपिंग थिंकिंग। नेक्स्ट है, ऐसा मेथड यूज़ करना है जो क्लास में सबके लिए यूज़फुल हो। नेक्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस, कितना प्रभावशाली है। वो कैसे पता चलेगा? जब एक मेथड को आप इम्प्लॉय करते हैं, यूज़ करते हैं, तो जब क्लास ख़त्म होता है तो फीडबैक से पता चलता है कि कोई मेथड कितना यूज़फुल रहा है। नेक्स्ट, कोलैबोरेटिव लर्निंग, ऐसा मेथड यूज़ करना है जहाँ पे सब एक दूसरे के सहयोग से कुछ सीखे। लास्ट है इनकरेज एक्टिव लर्निंग। एक्टिव लर्निंग मतलब कि हमेशा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ऐसा मेथड यूज़ करें। ऐसा कोई मेथड यूज़ ना करें कि बच्चे बहुत ज़्यादा पैसिवली बैठे हुए हैं और बोर हो रहे हैं। उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे तो एक्टिव लर्निंग होगा। तो डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स बहुत सारा है, लेक्चर मेथड, डिस्कशन मेथड, टेक्स्ट बुक मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ड्रामेटाइजेशन मेथड। लेक्चर मेथड को हम लोग कहते हैं व्याख्यान विधि, डिस्कशन मेथड को कहते हैं चर्चा विधि, टेक्स्ट बुक मेथड को कहते हैं पाठ्य पुस्तक विधि, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को कहते हैं प्रदर्शन विधि, प्रोजेक्ट मेथड को कहते हैं परियोजना विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को कहते हैं समस्या हल करने की विधि, ड्रामेटाइजेशन मेथड को कहते हैं नाटकीयता विधि। इसके अलावा और भी बहुत सारा मेथड्स है, लेकिन टू बी वेरी प्रिसाइज, इकोनॉमिक्स में जो सर्टेन 3-4 मेथड्स है वही हम लोग डील करेंगे, उसी को डिस्कस करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। Thank you, everyone.